Sun, East, West. बहुत देखा जाता है कि आपके पास फुल कैपेसिटी है लेकिन फिर भी आपके काम नहीं बनते हैं, काम रुक जाते हैं। हमारे पास नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है, लोग आपके पास बैठना पसंद नहीं करते हैं, आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आपको चिड़चिड़ापन लगता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या है। फिक्स्ड वास्तु की हम बात करते हैं कि दीवारें सही होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब बैलेंस में होना चाहिए। आपने एक घर बनाया जो कि प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंसी से बनाया, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर कुछ बेचैनी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी बची हुई है, या कहीं पर भी आप जाते हैं, एक बहुत ही अच्छी सी जगह पे जाते हैं, एक रिजॉर्ट में जाते हैं, तब भी वही बेचैनी आपको मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी वास्तु आपके साथ साथ जो कैरी करती है लाइव वास्तु, उससे आप मेंटेन नहीं करते हैं, आप अपनी बॉडी की एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। आपके घर में एसी चल रहा है, आप वहां नहीं बैठे हैं और उस एसी की जो एनर्जी है वह वेस्ट जा रही है, जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है वह किसी काम नहीं आ रही है। तो आपकी बॉडी आपकी एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करे, आपकी एनर्जी को चैनलाइज कैसे करे, हम समझते हैं। सबसे पहले जब भी हम बैठे हैं हमारे हाथ पैर बिना वजह नहीं हिलने चाहिए। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ इसीलिए मेरे हाथ आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन जब कई लोग बैठे हुए होते हैं और अपने हाथों को बॉडी क्लैपिंग करते रहते हैं, उंगलियाँ चलती रहती हैं, ऐसे पैर हिलता रहता है, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिससे हमारी एनर्जी हमारे मेरिडियंस से लीक हो जाती है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी मेरिडियंस होती हैं वह एनर्जी सोर्स होती हैं, तो उस एनर्जी को लूज़ करना हमारे लिए गलत होता है। उसे हम अगर एक्यूमुलेट करके रखते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन, हमारी कॉन्फिडेंस पावर, हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी में बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत निखार आता है, बहुत ग्रेस आता है, पैसा हमारे पास टिकता है। लक्ष्मी पुराण में कहा गया है कि जो इंसान बिना वजह पैर हिलाता रहता है, पैर की उंगलियां हिलाता रहता है, हाथों की उंगलियां को हिलाता रहता है, ऐसे करता रहता है, उंगलियों को चटकाता रहता है और टेबल क्लैपिंग करता रहता है, बॉडी क्लैपिंग करता रहता है, उसके पास माँ लक्ष्मी कभी नहीं रहती हैं, उनसे रूठ के माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। अपनी बॉडी को प्रॉपर पोस्चर में रखना है, बॉडी क्लैपिंग नहीं करनी है, बहुत कूल एंड काम रह करके हमने अपनी ज़िंदगी में फोकस क्रिएट करना है। लाइव वास्तु सजेस्ट करती है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप इसे करके देखेंगे तो आपको भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव होगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।